नमस्कार। करीब 30 साल पहले जयपुर में दंगे हुए थे, तब मैं एक अखबार में रिपोर्टर हुआ करता था और उस समय एक पुलिस अफसर ने मुझसे कहा था, विजय कोई भी दंगा 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, इससे ज़्यादा का दंगा आयोजित प्रायोजित होता है। उस समय वो पुलिस अफसर शहर के SP थे, अब वो DG बनकर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 30 साल पहले कही गई बात क्या आज भी खरी उतरती है? दिल्ली का दंगा भी क्या आयोजित प्रायोजित था? दिल्ली में दंगा तब होता है जब शाहीन बाग में चीजें सुधर रही थी, सुलह सफाई रंग लाती नजर आ रही थी। ऐसे में कौन चाहता था कि शाहीन बाग से बन रहा सांप्रदायिक सौहार्द का मामला बिगड़ जाए? कौन चाहता था कि शाहीन बाग सुलगता रहे? कौन चाहता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने दिल्ली का ऐसा मंजर पेश किया जाए? कौन चाहता था कि CAA पर ध्रुवीकरण चलता रहे? इन सब सवालों के बीच दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन पहले दिल्ली पुलिस जिस मंत्रालय के अधीन है, उस गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी साहब की थ्योरी सुनते हैं कि इसका पीछे कौन है। राहुल गांधी बताना, कांग्रेस पार्टी बताना, CAA के खिलाफ जो आंदोलन को समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री बताना, जो CAA के खिलाफ जो आंदोलन को समर्थन करने वाले व्यक्तियां बताना, इसका जिम्मेदारी कौन है? भारत का इमेज कम करने के लिए जो षड्यंत्र चल रहे, इसका जिम्मेदारी कौन है वो लोग बताना चाहिए। तो दिल्ली दंगों का दोषी सीधे सीधे राहुल गांधी को ठहराया जा रहा है, जिस पार्टी का दिल्ली में एक भी सांसद नहीं है। सांसद छोड़िए, जिस पार्टी का एक भी विधायक तक नहीं है, उस पार्टी के पास क्या इतना समय है, इतना पैसा है, ऐसा साजिश रचने का दिमाग है, ऐसा दंगा बनाने की रणनीति करने में क्या उनके नेता महारथी हैं? मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस इतनी ही सियासी रूप से चालबाज होती तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दो विधायक तो जितवा ही सकती थी। चलिए एक बार मान लिया जाए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर दिल्ली दंगा करवाया ताकि ट्रंप के सामने मोदी सरकार को नीचा दिखाया जा सके। तो ऐसे में सवाल उठता है कि BJP नेता कपिल मिश्रा जाफराबाद क्या छोले बेचने गए थे? वहां जाकर कपिल मिश्रा ने जो कहा सुनिए। देखिए, हम तो जाफराबाद को खाली करवाएंगे और चांदबाग को खाली कराएंगे, इसके अलावा कोई योजना नहीं है। सड़कें खाली होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमारे रास्ते, हमारे बच्चों का स्कूल जाना, अस्पताल जाना, दफ्तर जाना, ये कोई बंद नहीं करवा सकता है, और इसको खाली करवाने के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं। अब इस भड़काऊ बयान को देने से पहले कपिल मिश्रा ने क्यों नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या कपिल मिश्रा भूल गए थे कि ट्रंप साहब भारत आ रहे हैं? गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अगर माने तो क्या कपिल मिश्रा भी मोदी सरकार की छवि खराब करने की साजिश में शामिल थे? इन सबसे ऊपर सवाल दिल्ली पुलिस पर है। जब जाफराबाद में लोग धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ा क्यों नहीं? जिस जगह धरना देने वाले मंच बनाने की सोच रहे थे, वहां क्या दिल्ली पुलिस अपने 2 ट्रक खड़े नहीं कर सकती थी? जब दिल्ली पुलिस के सामने शाहीन बाग का उदाहरण था तो फिर धरना देने वालों की योजना को पहले से ही भांपा क्यों नहीं गया? कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से जानकारी मिल चुकी थी। अगर ये सही है तो फिर मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा को धरना देने वालों के पास क्यों जाने दिया? जब कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण दे रहे थे और पुलिस को ही 3 दिन की चुनौती दे रहे थे, तब दिल्ली पुलिस खामोश क्यों थी? क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा शुरू होने वाली है और दिल्ली में किसी भी कीमत पर अमन चैन कायम रखना उसकी महती जिम्मेदारी थी? BJP के सांसद गौतम गंभीर ने बड़ा संजीदा सवाल उठाया है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप प्रवोक करने वाली स्पीचेस देंगे वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं ये चीज़ कभी भी इसको एंडोर्स नहीं करूंगा कि आप वहाँ जाके प्रवोक करें लोगों को, अपने लोगों को, या अपने और पराए कौन है, सभी अपने, आप किसी को प्रवोक नहीं कर सकते। ऐसा ही बयान दूसरी तरफ से भी आना चाहिए था। OAC ऐसे समय में खामोश क्यों हो जाते हैं? वारिस पठान क्यों चुप्पी साध जाते हैं? अमन कमेटियां कहाँ हैं? दिल्ली के दूसरे सांसद कहाँ हैं? दिल्ली के विधायक कहाँ हैं? मुख्यमंत्री कहाँ हैं? आप कहेंगे कि दिल्ली पुलिस पर ज़्यादा ही सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर मरने वालों में उसका एक हेड कांस्टेबल शामिल है। पुलिस वर्दी का अपना रोब होता है, अपना इकबाल होता है। अगर पुलिस वाले को कोई सरेआम पिस्टल दिखाए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। शहीद होने वाले के हाथ में सिर्फ डंडा हो तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है।
आखिर हेड कांस्टेबल के हाथ में डंडा क्यों था? वो अकेले क्यों थे? डंडे की जगह कार्बाइन जैसी आधुनिक राइफल क्यों नहीं थी? कार्बाइन होती तो यूं पिस्टल तानी नहीं जाती। सबसे बड़ा सवाल, साथी पुलिस वाले उस समय कहां थे और क्या कर रहे थे? सवाल उठता है कि एक युवक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो खाकी वर्दी पर पिस्टल तान दे और ललकारे। इससे पहले भी हमने देखा कि जामिया में एक युवक पिस्टल लहरा रहा था और पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी। ये किस दिल्ली में रह रहे हैं दिल्ली के लोग?